हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोल्ड के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोल्ड जो है हमारा, उसकी दो स्पेलिंग्स होती हैं। कहीं कहीं आपको ये मोल्ड दिख जाएगा और कहीं कहीं आपको ये मोल्ड दिख जाएगा। स्पेलिंग दोनों ही सही हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोल्ड, मोल्ड जो हमारा एक ऐसा मेटल ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम जो अपना डिजायर शेप होता है, मोल्टेन मटेरियल को हम उसमें इंजेक्ट कराते हैं। उसके बाद हम डिज़ायर शेप में जैसे हम मोल्ड लगाएंगे वैसा हम अपना मटेरियल निकालते हैं वैसे शेप में। तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज़ ए मेटल ऑब्जेक्ट विच यूज्ड इन मोल्डिंग मशीन। तो दोस्तों, इट इज ए मेटल ऑब्जेक्ट विच यूज्ड इन मोल्डिंग मशीन बाय विच, इसके द्वारा हम वी फाइंड द डिजायर्ड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम जिसके द्वारा हम डिजायर्ड शेप में जैसा हम सोचते हैं कि जिस शेप में हमारा मटेरियल मिले, जैसे किसी को बकेट बनाना हो उसका मोल्ड अलग, किसी को मग बनाना हो उसका मोल्ड अलग, कंघी बनानी हो उसका मोल्ड अलग, या कोई जो भी मटेरियल हमारा, जैसे चेयर हुआ, जो भी मटेरियल बम्पर या कुछ भी मटेरियल जो हमारा बनाना होता है, उसका हर एक चीज़ का मोल्ड अलग होता है। अब हम आपको फिगर से समझाते हैं। ये हमारा बैरल है, बैरल में ये हमारा रोटेशन स्क्रू है। इसके थ्रू हमारा जब मटेरियल जो हमारा हॉपर से होते हुए आएगा और यहाँ से हीट के द्वारा, ये रोटेशन स्क्रू के द्वारा वो मटेरियल हमारा आगे नोज़ल तक जाएगा। नोज़ल के थ्रू हम इसमें इंजेक्ट करते हैं, यानी मटेरियल इसमें डालते हैं। अब ये हमारा कुछ इस टाइप का शेप होता है, कुछ इस टाइप का। तो सेम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ से हमारा मटेरियल होते हुए यहाँ से जो पैक शेप है इसमें आता है। तो इसमें आने के बाद जब हमारा ये दो पार्ट है, दो पार्ट जब यहाँ से मटेरियल इंजेक्ट होता है तो ये पूरा शेप ले लेता है। उसके बाद हम इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके अपना मटेरियल प्राप्त करते हैं जो हम उसमें जैसा मोल्ड लगाए रहेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कुछ इस तरह का शेप होता है हमारा। जब ये दोनों आपस में यहाँ से जब हमारा मटेरियल इसमें फ्लो करता है, इंजेक्ट करता है, तो जब ये मोल्ड जब आपस में कसेंगे तो इसके बीच में जो गैपिंग रहेगी इसी में हमारा मटेरियल इंजेक्ट होता है, आके इसी में रहता है। तो ये जो डिज़ायर शेप है इसी के शेप में मटेरियल हमारा हो जाता है, और हम जब इसको ओपन करते हैं ठंडा करके हम अपना मटेरियल प्राप्त करते हैं। अब इसमें जो हमारा दो कोर होता है, सॉरी, इसमें दो हमारी प्लेटें होती हैं। एक फिक्स प्लेट होती हैं जो लेफ़्ट साइड की, ये हमारी प्लेट यहाँ ऊपर दिखाया गया है, ये एक फिक्स प्लेट होती है, ये प्लेट फिक्स प्लेट होती है और ये मूवेबल प्लेट होती है। ये मूवेबल यानी ये प्लेट हमारी फिक्स रहती है, ये प्लेट हमारी ओपन होती है। अब हम जब ये प्लेट ओपन होती है तो यहाँ से मटेरियल हमारा निकल जाता है नीचे। अब सेम देखिए, जो हमारा ये फिक्स प्लेट है इसको क्या हम बोलते हैं, इसको कैविटी बोलते हैं। फिक्स प्लेट को हम कैविटी बोलते हैं, कैविटी या इसको फीमेल पार्ट बोलते हैं। और जो हमारा कोर होता है, कोर जिसमें, सॉरी, जो कोर होता है, जो हमारा मूवेबल प्लेट होता है, इसको आगे पीछे हम खिसकाते हैं। जब हमारा मटेरियल, जब हमारा मोल्ड ओपन होता है तो ये प्लेट हमारी फिक्स रहती है, ये प्लेट हमारी ओपन होती है। तो ये हमारी प्लेट कोर होती है, इसको हम मेल्ड पार्ट भी कहते हैं। यानी कि जो हमारा कोर होता है वो मूवेबल होता है और कैविटी जो होती है हमारी फिक्स होती है। अब जब हम देखिए, कोई भी मटेरियल जब भी हम प्रोसेस कराते हैं तो यहाँ पे हम जैसे भी हम अपना जैसे मोल्ड लगाए रहेंगे, यहाँ से मटेरियल हमारा इंजेक्ट होता है और ये डिज़ायर शेप ले लेता है जैसा भी हम उसमें मोल्ड लगाएंगे। फिर मोल्ड में मटेरियल जाने के बाद वो शेप ले लेता है। उसके बाद हम कूलिंग प्रोसेस करते हैं, मटेरियल को ठंडा करने की प्रोसेस करते हैं। जब हमारा मटेरियल ठंडा हो जाता है तो ये
कोर ओपन होता है और हमारा मटेरियल निकल जाता है। अब उसमें जो वार्प पेज रहते हैं या जो अदर बाहर से मटेरियल अधिक फ्लो हुआ रहता है तो वो सब हम कट करके निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और आगे जो है मोल्ड का जो अधिक पार्ट बचा है, मोल्ड की हमें हर एक चीज़ धीरे धीरे आपको कवर करा देंगे। धन्यवाद।